हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के एडहॉक कमेटी के प्रधान महंत करमजीत सिंह जनरल सकत्र गुरविंदर सिंह धमीजा के अस्तीफे तो बाद कमेटी की चोण ली प्रक्रिया में तेजी वेखी जा रही है। हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणों तो पहला एडहॉक कमेटी के मैंबर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अहम मीटिंग की। मीटिंग दौरान एडहॉक कमेटी ने नोटिफिकेशन कुछ शब्दों हटाने समेत चोण के नियमों लेके कुछ सुझाव दिए ने। मीटिंग तो बाद मीडिया नाल गलबात करदिआं हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के एडहॉक कमेटी के सीनियर मीत प्रधान भुपेंद्र सिंह संध ने दसा कि मुख्यमंत्री ने उन्होंने मंगा मनने का भरोसा दिता है। उन्हें कहा कि हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी चोणों वास्ते छपण वाला फार्म गुरमुखी होना चाहिए। पतित सिख की वोट नहीं बनाई जानी चाहिए तो सब सूरत सिख का वोट बनाया जाए। कमेटी में मैंबर के लिए सिर्फ अमृतधारी सिख ही चुन लड़ सके। उन्हें कहा कि उन्होंने तमाम सुझाव रखे ने जिन्हों पर मुख्यमंत्री चोण कमिश्नर ने सहमति जताई है। उन्हें कहा कि 30 सितंबर तक वोट बनाए जाएंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बेनती करना असं अज विशेष तौर पर सीएम साहब नू फुलर साहब नू संजय भाटिया जी नू टीपी प्रसाद जी नू सारयां नू मिले सां। साडे जिहड़े हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के वोट बन जा रहे हैं उन्हां वास्ते कुछ त्रुटियां सन वो सही कराने वास्ते आए सौ। वो की काम सी कि जिहड़ा फार्म छपया है वो पंजाबी होना चाहिए। उन्हें आख्या गुरमुखी पंजाबी गुरमुखी वो बिल्कुल गुरमुखी हो जाएगा। वो बिल्कुल ही अज ही उन्हें आर्डर करते हैं गुरमुखी छपया जाएगा। फार्म जिहड़ा है अगो गुरमुखी आएगा। जिहड़ा पत्त गुरसिख नहीं पत्त का बोर्ड नहीं बनेगा। एक असी ये बेनती करना है सा बोर्ड पूर्ण सिख का साबत सूरत का बनेगा। दूजा जिहड़ा इलैक्शन लड़ेगा वो कैंडीडेट जिहड़ा होगा वो अमृतधारी गुरसिख होगा वो इलैक्शन लड़ेगा। जिन्हां असां उन्हां नूं बेनतियां कीतियां ने सीएम साहब नूं सारियां उन्हां प्रवान कीतियां ने। मेरे नाल मान साहब बीबी अजराणा जी बाबा तरोके वाले जी सारे असीं नाल हाँ। रवनीक मान जी सारे जिन्हें भी हैं तो सारे अज यही बेनती करना आए सां ते पत्रकारां दे राए माध्यम सारी जनता नूं दसने आ कि वध तो वध हरियाणे दे विच वोट बनाओ क्योंकि वोट बनेगी तुहाडी शक्ति बनेगी तुहाडा पता लगेगा किन्ने सिख हो। मैं तुहाडे राही पत्रकारां दे राही अज सारयां नूं बेनती करना कि एसडीएम साहब नूं मिलो पटवारियां नूं मिलो तहसीलदारां नूं मिलो नगरपालिका जाके इन्हां नूं मिलो अपने कर्मचारियों नूं मिलो कलर्कां नूं मिलो सारयां नूं मिल के वध तों वध वोट बनाओ। गुरुद्वारां च फार्म इकट्ठे करके फार्म जाके जमा करा के रसीद लो क्योंकि वोट जरूरी बन जाए। ये अज बेनतियां करना है सा साडियां सारियां मंजूर हो गई ने तुहाडे राही आई सी एम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से दफ्तर सुचारू रूप से चल रहा है और जो भी अगली कार्रवाई होगी उसके बारे में आपको सूचित कर देंगे जब भी होगी। आज इस विषय पे कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। चुनावों की तारीखों को लेके पहले तो हमारा 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में वोटर लिस्ट तैयार होगी। वोटर लिस्ट एक बार बन जाएगी उसके बाद जो अगली प्रक्रिया है वो हरियाणा इलेक्शन कमीशन जो गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन जस्टिस HS भल्ला साहब इस बारे में जानकारी देंगे क्योंकि